हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे इन इंग्लिश वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ऑफ द यूनिट 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द येलो बटरफ्लाई। ओके, हियर इज अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड एंड अ बटरफ्लाई एंड द कलर ऑफ द बटरफ्लाई इज येलो। ओके, A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. एक जो butterfly है, yellow color की butterfly, वो Sonu के garden में उड़ रही होती है। तो Sonu का मन करता है, Sonu से देखता है और उसका मन करता है कि वो उस butterfly को भागकर पकड़ ले। Catch का मतलब क्या होता है? पकड़ना। रैन का मतलब होता है भागना। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, इट सेट ऑन अ रेड रोज। अब बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई किसको बोलते हैं? तितली। बटरफ्लाई बोलते हैं तितली को। तो वो तितली जो है वो उड़कर, फ्लू का मतलब होता है उड़ना। ओके, एंड रोज बेड मतलब गुलाब का जो फूल है उसके ऊपर बैठना, गुलाब। तो बटरफ्लाई उड़कर गुलाब के ऊपर बैठ जाती है। सेट मतलब बैठना। नाउ आई कैन कैच इट, सेट सोनू। अब सोनू जब देखता है कि वो गुलाब के फूल के ऊपर बैठी है तो वो सोचता है कि अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना, पकड़ना। ओके, He walked slowly and silently to catch the butterfly. Walk का मतलब होता है चलना। धीरे धीरे जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं walk. Slowly होता है धीरे धीरे, और silently चुपचाप। Slowly मतलब धीरे धीरे, धीरे और silently मतलब चुपचाप, चुपचाप। वो धीरे धीरे, आराम से, धीरे धीरे चुपचाप चलता है और वो किस लिए चलता है? बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, ताकि वो चुपचाप जाएगा तो वो बटरफ्लाई को आराम से पकड़ लेगा। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन वो धीरे धीरे जब चलता है, धीरे धीरे करके वो पास आता जाता है। क्लोजर मतलब पास आना, पास आना और पास आना। बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, जब वो पास आने वाला होता तब क्या होता है? बटरफ्लाई जो होती है वहाँ से उड़ जाती है। Where did the butterfly go? Where का मतलब क्या होता है? कहाँ। अब वो सोचता है butterfly रोज़ के ऊपर से उड़ के कहाँ चली गई। Near the garden was a pond. Near मतलब होता है पास। Garden आपको पता ही है बगीचा, pond मतलब जो छोटा सा तालाब होता है उसके बोलते हैं। तो garden के पास ही एक छोटा सा तालाब था। In the pond was a white lotus. उस पॉन्ड में, पॉन्ड के अंदर वाइट लोटस मतलब सफ़ेद रंग का कमल के फूल थे। अराउंड इट्स ग्रू राउंड लीव, अराउंड मतलब चारों तरफ, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, ग्रू का मतलब होता है, ग्रू का मतलब होता है उगना, और राउंड लीव्स मतलब गोल। राउंड का मतलब होता है गोल और लीव्स का मतलब आपको पता ही पत्तियाँ। तो उस लोटस के चारों ओर राउंड कलर के पत्तियाँ जो थी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं, वो वहाँ पे उगी हुई थी। दे फ्लोटेड इन द वाटर, फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना। फ्लोटेड मतलब तैरना। तो वो जो फ्लावर था लीव्स के साथ वो पानी में तैर रहा था। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, अब जो बटरफ्लाई थी वो सेट मतलब वो भी तैरने लगी उस पत्ती के साथ जो फ्लोट कर रही थी, उसी ऊपर जाके बैठ जाती है, वो भी उनके साथ तैरने लगती है। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर। अब सोनू जो था, वेंट मतलब जाना, स्प्लैश मतलब छपाक से, जैसे पानी में आप कुछ डालते हैं या पानी में कुछ गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है छपाक, तो उसी तरह वो छपाक से आवाज़ साउंड करता हुआ वो पानी के अंदर चला जाता है। सोनू ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई,
अब जो पानी के अंदर जाता है तो बटरफ्लाई फिर वहाँ से भी उड़ जाती है। वेयर वॉज इट, सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन, अब वो फिर देखता है कि वो कहाँ चली गई। सोनू लुक्ड मतलब देखना, अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे। अब सोनू ऊपर भी देखता है नीचे भी देखता है कि वो जो बटरफ्लाई थी वो कहाँ चली गई। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, इट हैज़ पिंक फ्लावर्स। नियर का मतलब होता है पास, पास। वॉल का मतलब दीवार, ओके। पीच ट्री, पीच ट्री मतलब आड़ू, आड़ू जिसे बोलते हैं, आड़ू का एक पेड़ वहाँ पे होता है। और इट हैज़ पिंक फ्लावर्स, पिंक मतलब क्या होता है, गुलाबी, फ्लावर मतलब फूल, गुलाबी फूल होते हैं। मतलब दीवार के पास एक आड़ू का पेड़ होता है और जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, जो बटरफ्लाई होती है वो जाकर, प्रिटी मतलब प्यारा, फ्लावर मतलब फूल, सेट मतलब बैठना, वो बटरफ्लाई एक प्यारे से फूल के ऊपर जाके बैठ जाती है। आई कैन कैच यू, आई कैन कैच यू, शाउटेड सोनू। कैच का मतलब मैंने आपको बताया पकड़ना, शाउटेड मतलब का मतलब चिल्लाना या फिर शोर मचाना। अब सोनू जो है परेशान हो गया था उसको पकड़ते पकड़ते, तो वो चिल्लाकर बोलता है आई कैन कैच यू, मैं तुमको पकड़ सकता हूँ, जोर से गुस्से में बोलता है मैं तुमको पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप अप ही क्लाइम्ड, क्लाइम्ब का मतलब क्या होता है, चढ़ना, क्लाइम्ब का मतलब चढ़ना, ट्री का मतलब पेड़। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, पेड़ पे चढ़ाई करने लगता है, पेड़ पर चढ़ने लगता है। बट बैक इट्स फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, बट क्या होता है, बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, वो जो बटरफ्लाई होती है वो पेड़ से भी उड़कर नीचे, डाउन मतलब नीचे की तरफ आ जाती है। सोनू जम्प्ड डाउन टू, अब सोनू जब देखता है कि बटरफ्लाई वहाँ से उड़ गई तो वो क्या करता है, ही जम्प्ड, वो वहाँ, जम्प का मतलब क्या होता है, कूदना, वो वहाँ से कूद जाता है, नीचे को वो कूद जाता है। ही चेज्ड अ बटरफ्लाई फ्रॉम द रोज टू द लोटस, चेज का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना। वो जो सोनू था वो बटरफ्लाई का पीछा कर रहा था, कहाँ से, रोज से लेके लोटस तक। पहले वो रोज पे गई, फिर वो लोटस पे गया, गई वो रोज से लेकर लोटस तक उसका पीछा कर रहा था। एंड अप टू द पीच ट्री, मतलब रोज से वो लोटस पे गई, लोटस से वो पीच ट्री पे आई, तो सोनू तीनों जगह उसका पीछा करता रहा। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन वो उस बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ही लुक्ड एवरीवेयर, कुड नॉट मतलब नहीं, सोनू कुड नॉट सी, वो उनको नहीं देख पा रहा था, उस बटरफ्लाई को नहीं देख पा रहा था कि वो कहाँ है। उसने हर जगह देखा, एवरीवेयर मतलब हर जगह, सब जगह उसने उस बटरफ्लाई को ढूंढा पर वह उसको दिखाई नहीं दे रही थी। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, लास्ट में उसको वो बटरफ्लाई, सॉ का मतलब दिखना, बटरफ्लाई मतलब तितली, लास्ट में उसको वो बटरफ्लाई दिख जाती है कि वो बटरफ्लाई कहाँ है। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर वेब इन द पीच ट्री, अब वो पीच ट्री मतलब आड़ू का पेड़, वेब मतलब जाल, बिग स्पाइडर बड़ा, स्पाइडर मतलब बड़ा सा एक मकड़ी का जाला होता है पीच ट्री के ऊपर। सॉरी, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर वेब, कॉट मतलब पकड़े जाना, और स्पाइडर जब वेब मतलब मकड़ी का जाला, वो जो बटरफ्लाई थी वो उस मकड़ी के जाले में फंस जाती है, पकड़ी जाती है। ही लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप, सैड मतलब उदास, एस्केप मतलब निकलना, ट्राई मतलब कोशिश, वो जो बटरफ्लाई है वो उस मकड़ी के जाले से निकलने की बहुत कोशिश करती, बहुत सैड हो जाती है और बहुत ट्राई करती है कि वो उस मकड़ी के जाले से निकल सके। ही फ्लटर्स इट्स विंग्स, मतलब अपने विंग्स को वो फड़फड़ाती है, अपने पंखों को वो फड़फड़ाती है। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, ट्विस्ट करती है मतलब अल्टा पल्टी करती है, टर्न होती है, बट कुड नॉट एस्केप, वो हर तरीके की कोशिश करती है कि वो वहाँ से निकल सके, लेकिन
वो वहाँ से नहीं निकल पाती है। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, अब वो जो मकड़ी का जाला होता है, हेल्ड इट टाइट मीन्स उसको और टाइट और ज़ोर से अच्छे से उसको पकड़ लेता है। पुअर बटरफ्लाई, पुअर मतलब बेचारी बटरफ्लाई। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, मिडिल मतलब बीच में उस वेब के एक बड़ा सा मकड़ा होता है। इट लुक्ड हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा भूखा दिख रहा होता है। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, अब वो चाहता था कि वो जाकर उस बटरफ्लाई को पकड़ ले। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल द ब्लैक स्पाइडर, क्लोजर एंड क्लोजर मतलब पास ही पास, धीरे धीरे वो पास आ रहा था। क्रॉल मतलब रेंगना, ब्लैक स्पाइडर जो था रेंग रेंग कर धीरे धीरे करके उस बटरफ्लाई के पास वो आ रहा था। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन, बिफोर मतलब पहले, हंग्री स्पाइडर मतलब भूखा जो मकड़ी का था, मकड़ा था, उसके पकड़ने से पहले सोनू भागता है। ग्रैब मतलब पकड़ना, अपनी गिरफ्त में लेना, तो वो सोचता है, सोनू भागता है कि उसे उसके पकड़ने से पहले सोनू उस बटरफ्लाई को बचा ले। एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, उस मकड़ी के पकड़ने से पहले सोनू भागकर उस बटरफ्लाई को पकड़ लेता है। इट वॉज सो प्रिटी, इट हैज़ ब्राउन स्पॉट ऑन इट्स येल्लो विंग्स, प्रिटी मतलब प्यारा, ब्राउन मतलब ब्राउन कलर आपने देखा होगा, स्पॉट्स मतलब छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनको बोलते हैं, एंड ऑन इट्स येल्लो विंग्स उसके पीले कलर के विंग्स के ऊपर छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही प्यारी लगती थी। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू उस बटरफ्लाई को बहुत प्यार करता है, उसको बहुत प्यारी लगती है। बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड, लेकिन वो जो बटरफ्लाई थी उसको वो सैड लगती है सोनू के हाथों में, वो सोनू के हाथों में रहती है लेकिन वो बहुत उदास रहती है। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, सोनू क्या चाहता था, सोनू चाहता, वॉन्टेड मतलब चाहना, हैप्पी मतलब खुश, सोनू चाहता था कि वो बटरफ्लाई बहुत ही खुश रहे। गो सेट सोनू फ्लाई अवे, जब वो सोनू चाहता था कि वो खुश रहे तो उसके लिए वो क्या करता है, वो उस बटरफ्लाई को बोलता है तुम जाओ, फ्लाई करो, उड़ो, गो फ्लाई अवे, तुम उड़ो। ही लेट द बटरफ्लाई गो, वो उस बटरफ्लाई को जाने देता है। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट सैट ऑन द रेड रोज, अब वो बटरफ्लाई सोनू के हाथों से उड़ के जाकर कहाँ बैठती है, रेड रोज गुलाब के फूल के ऊपर। इट फ्लू द पीच ट्री, गुलाब के फूल के बाद वो आड़ू के पेड़ जो होते हैं पीच ट्री पे जाके बैठती है। एंड देन सेल ऑन द लोटस लीफ, उसके बाद वो जाकर लोटस लीफ में के ऊपर बैठकर तैरती है। इट्स फ्लू मेयरली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, अब वो क्या करती है, खुश होकर वो इधर से उधर फूलों के ऊपर उड़ती रहती है। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, वॉच का मतलब क्या होता है, देखना, सोनू उसको देखता रहता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ रही है और उसको वॉच करके खुश होता है वो। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, जो बटरफ्लाई थी वो सोनू के गार्डन में चारों तरफ अच्छे से उड़ रही थी और सोनू को भी उसका उड़ता हुआ देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, अब वो जो बटरफ्लाई थी जब वो फ्री हो गई तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जैसे वो पहले खुश थी और आराम से फ्लाई करती थी उसी तरह से अब वो खुश और फ्लाई कर रही थी। ओके तो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दिस स्टोरी ओके प्रॉपरली वन और टू टाइम्स, आपको इसको एक या दो बार अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इसकी अच्छे से रीडिंग कर सकें, और उसके बाद आपको इसकी वन पेज हैंड राइटिंग करनी है एंड यू हैव टू ड्रॉ अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ दिस लेसन। ओके थैंक यू।